दोस्तों कैसे हैं आप? आप रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये ईसाइत का सबसे बड़ा चर्च या फिरका या स्कूल ऑफ थॉट है। इस चर्च का मरकज़ इटली के शहर रोम के इस इलाके वेटिकन सिटी में है। ये तारीखी हुस्न से मालामाल जो शहर आप देख रहे हैं, ये एक आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत है। रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह जो पोप कहलाते हैं, वही इस शहर यानी वेटिकन सिटी के हुक्मरान भी होते हैं और यहाँ उन्हीं का हुक्म चलता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चंद सदियों पहले ये सूरत हाल नहीं थी। पोप का हुक्म इतने छोटे से शहर पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर चलता था। यूरोप की सियासत और रूहानियत दोनों पर पोप का मुकम्मल कंट्रोल होता था। लेकिन फिर इस ताकत को जवाल आया और 900 बरस के अंदर चर्च का सियासी असर और रसूख घटते घटते सिर्फ इस शहर तक महदूद होकर रह गया। इस शहर का रकबा बमुश्किल 100 एकड़ से कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये जवाल दोस्तों आया कैसे? इस जवाल में जन्नत के टिकटों का बहुत अहम किरदार था। तो माई क्यूरियस फेलोज, आज से 900 साल पहले रोमन कैथोलिक चर्च सिर्फ एक मजहबी इदारा, रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं था बल्कि एक ज़बरदस्त ताकत का नाम था। यूरोप के ताकतवर शहनशाह, बादशाह, हुक्मरान भी चर्च के सरबराह यानी पोप के हुक्म से दाएं बाएं नहीं हो सकते थे। और जहां हुक्मरान उस वक्त के इतने मजबूर थे पोप के सामने, चर्च के सामने, तो आप खुद सोच लें उस वक्त के अवाम का क्या हाल होगा। वो तो चर्च या पोप से बाहर निकल कर सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि वो इसे ही बेहतर समझते थे कि चर्च के मुताबिक ही सोचा जाए और ज़िंदगी गुजारी जाए तो आफियत है। ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त रोमन एम्पायर के अरूज का एक दौर ख़त्म हो चुका था। रोमन एम्पायर का सिर्फ मशरकी हिस्सा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कायम था, जिसका मरकज़ कुस्तुनतुनिया या आज के इस्तंबोल में था। उसे बाइज़ेंटाइन एम्पायर या बाइज़ेंटाइनी सल्तनत कहते थे। जबकि मगरबी तरफ यानी यूरोप की तरफ से रोमन एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप ही हुकूमत करते थे। तो इन रोम के इलाकों पर और यूरोप के कुछ हिस्से पर पोप की हुकूमत का ये दौर 756 से कायम हुआ। पोप के ज़ेरे असर इन रियासतों को पेपल स्टेट्स कहा जाता था। ये सेंट्रल इटली के कुछ इलाके थे जिनका दारुल हुकूमत अब रोम था, और इसके अलावा फ्रांस में भी एक छोटा सा इलाका पेपल स्टेट्स का हिस्सा था। लेकिन इन दो जगहों के अलावा पोप का सियासी और रूहानी असर पूरे यूरोप पर बहरहाल था। यानी चर्च एक बेताज शहनशाह था यूरोप के उस हिस्से में। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च अपनी ताकत के किस अरूज पर हो सकता है। लेकिन फिर ये हुआ कि 11वीं सदी 11th सेंचुरी के आखिर में यानी 1001 से लेकर 1099 एडी के दरमियान की सदी में इसकी ताकत को जवाल आने लगा। इस जवाल की दो बुनियादी वजूहात थी। पहली वजह थी क्रूसेड्स और दूसरी वजह थी जन्नत के टिकट। तो पहले देखते हैं क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगों ने चर्च की ताकत को नीचा दिखाने में या इनको जवाल पजीर करने में क्या किरदार अदा किया। तो माय क्यूरियस फेलोज, 1095 में पोप अर्बन सानी या अर्बन टू ने सलीबी जंगों का, क्रूसेड्स का बाकायदा ऐलान किया था। सलीबी जंगों का बुनियादी मकसद तो ये था कि चर्च अपनी हॉली लैंड यानी फ़लस्तीन के इलाकों को मुसलमानों से छीनना चाहते थे। हॉली यानी पाक, वो इसे इसलिए कहते थे कि यही हज़रत ईसा की पैदाइश की जगह थी और चर्च के मुताबिक यही उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरा, उनका मुतहर्रक हिस्सा यहीं गुजरा, और यहीं चर्च के मुताबिक सलीब वाला वाकया भी पेश आया। सो ये उनके लिए एक मुकद्दस जगह थी। लेकिन दोस्तों, सलीबी जंगों के पीछे चर्च का एक और मकसद भी था। वो था चर्च की सियासी ताकत को बढ़ाना, क्योंकि अगर चर्च जीत जाता और मुसलमानों से फ़लस्तीन का इलाका वो छीन लेते तो जाहिर है वो ज़्यादा मकबूल और ताकतवर हो जाते चर्च के लोग। तो पोप अर्बन सेकंड की कोशिशों से पहली क्रूसेड यानी पहली सलीबी जंग शुरू हुई, जिसके आगाज़ में सलीबियों को ज़बरदस्त कामयाबियाँ भी मिली। पहली सलीबी जंग के दौरान 1099 में सलीबियों या क्रूसेडर्स ने बैतुल मुकद्दस पर कब्ज़ा भी कर लिया। ये चर्च की एक बड़ी फतह थी, जिससे उनकी एक और छुपी हुई ख्वाहिश भी पूरी हो गई, यानी यूरोप में चर्च की सियासी ताकत बहुत बढ़ गई, वो हीरो बन गए। ये फतह लेकिन आर्जी साबित हुई, क्योंकि इस फतह के बाद शिकस्तों का, हार का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया।
मुसलमानों ने ज्यादा देर नहीं लगाई और सलीबियों के खिलाफ जबरदस्त कमबैक किया। इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम जनरल्स ने सलीबियों को हराना शुरू कर दिया और फिर यह सिलसिला जारी रहा। हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में सलीबियों को फैसलाकुन शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस उनसे एक बार फिर छीन लिया। इस फैसलाकुन शिकस्त ने चर्च के ज़ेरे असर पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। ये कहानी दोस्तों हम आपको DSJ पर तफसील से नक्शों के साथ, एनिमेशंस के साथ दिखा भी चुके हैं, लेकिन 1187 के बाद भी क्रूसेडर्स की शिकस्तों का सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि अगले तकरीबन 100 बरस से ज़्यादा अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता सलीबियों को फ़लस्तीनी इलाकों से दूर परे धकेलते रहे और सलीबियों का आखिरी अहम स्ट्रॉन्ग होल्ड साहली शहर अका जो था, जो तीन अतराफ से मुस्लिम स्टेट्स में घिरा हुआ था और चौथी तरफ उसके समंदर था, आजकल ये शहर इसराइल का हिस्सा है। तो 1291 में यूँ हुआ कि मिस्र की ममलूक हुकूमत ने इस साहली शहर अका पर हमला कर दिया, मगर इसके मुहाफिज ज़्यादा देर ममलूकों का मुकाबला ना कर सके और तवील मुहासरे के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। तो यूँ सलीबी जंगों का एक बहुत बड़ा मरहला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और सलीबियों को, चर्च को खाली हाथ यूरोप वापस जाना पड़ा। खाली हाथ वापस आने और इस तवील मजहबी जंग में नाकामी ने कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब आम यूरोपीय शख्स तो यही समझता था कि चर्च खुदा से बहुत नज़दीक है, इसलिए उसे हर मुहिम में बहरहाल कामयाबी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा शिकस्त हो चुकी थी, हार मिली थी। फिर मजीद ये हुआ कि अगले 150 बरस में 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया भी, रोम का आखिरी बड़ा शहर भी फतह कर लिया। उस वक्त के पोप पायस सेकंड ने इसके जवाब में उस्मानियों के ख़िलाफ़ एक बार फिर सलीबी जंगों का ऐलान किया। लेकिन अब दुनिया और यूरोप बदल चुका था, चर्च पर आवाम और हुक्मरानों का एतमाद इस कदर कम हो चुका था कि किसी ताकतवर यूरोपीय हुक्मरान ने इस क्रूसेड में, इस नई सलीबी जंगों के ऐलान में कोई दिलचस्पी नहीं ली। यूँ इस क्रूसेड का आइडिया फेल हो गया और चर्च ने यौम सोग मनाने तक ही मामला रखा और यहीं तक ख़त्म कर दिया। यूँ दोस्तों सलीबी जंगों में फैसलाकुन नाकामी और फिर मुसलमानों के हाथों यूरोपीय ताकतों को मिलने वाली शिकस्तों ने रोमन कैथोलिक चर्च की सियासी ताकत को बहुत नीचे धकेल दिया। लेकिन सियासी जवाल के बावजूद पोप और कैथोलिक चर्च की रूहानी ताकत या स्पिरिचुअल पावर अब भी बरकरार थी यूरोप के कुछ हिस्सों पर। इसकी वजह यह थी कि ईसाइत की बुनियाद ही नजात यानी सॉल्वेशन के अकीदे पर है। इसका मतलब यह है कि इंसानों को गुनाहों से पाक करके जन्नत में भेजा जाएगा। दुनिया भर के मसीहियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पर यकीन रखती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानों के गुनाह माफ़ करवाने के लिए ही सूली पर चढ़ना कबूल किया था। तो इस सूरत हाल में यूरोप के मसीही यही समझते थे कि अगर उन्होंने निजात हासिल करना है तो ये बर्रियत उन्हें सिर्फ चर्च के ज़रिए ही हासिल होगी। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों रोमन कैथोलिक चर्च के ज़वाल की दूसरी बड़ी वजह का दौर। इस दौर की बहुत ही अहम चीज़, बल्कि शायद सबसे अहम चीज़ थी, जन्नत के टिकट्स। सो ये दूसरी वजह बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। माइक्यूरियस फेलोज कैथोलिक फ़िरके का ये अकीदा है कि वो इंसान जो मरने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, उनकी रूहें जहन्नुम में नहीं जाती, बल्कि ये रूहें एक दूसरे मुकाम यानी परगेटोरी में चली जाती हैं। ये जगह जहन्नुम जितनी खौफनाक नहीं है और यहाँ इंसानों को कम अजियत मिलती है उनके नज़रिए के मुताबिक। यहाँ इंसानों को थोड़ी बहुत सज़ा देकर उनकी रूहों को गुनाहों से पाक किया जाता है, इसके बाद ये रूहें खुदा की सल्तनत यानी जन्नत में दाखिल हो जाती हैं, मतलब उनकी निजात हो जाती है। आप में से कई दोस्तों ने यकीनन अतालवी शायर दांते की मशहूर ज़माना तवील नज़्म द डिवाइन कॉमेडी ज़रूर पढ़ी होगी। इस नज़्म में दांते ने जहन्नुम की हौलनाकियों की मंजरकशी की थी और साथ में परगेटोरी का भी जिक्र किया था, जहाँ से तौबा करने वाले लोगों की रूहें जन्नत में चली जाती हैं, दाखिल होती हैं। यानी ये जहन्नुम और परगेटोरी के ज़रिए निजात के कॉन्सेप्ट्स उस दौर में यानी क्रूसेड्स के बाद के चंद सदियों में भी बहुत मकबूल थे, ट्रेंडिंग में थे। कैथोलिक अकीदे के मुताबिक पॉप को ये इख्तियार हासिल था कि वो परगेटोरी में मौजूद रूहों के गुनाह माफ़ करके उन्हें जन्नत में दाखिल कर दें। अब यूरोप में ये होने लगा कि गुनाहगार लोग चर्च के पास जाते थे और चर्च उन्हें बताता था कि तुम फलां फलां नेक काम करो,
जो शख्स ये नेक काम कर लेता था उसे ज़बानी बता दिया जाता था या फिर एक पर्ची पर तहरीर करके लिख कर दे दिया जाता था कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और अब तुम जन्नत में जाने के अहल हो चुके हो। इस पर्ची को इंटेलिजेंस कहा जाता था। आप सादा अल्फाज में इसे जन्नत की पर्ची या जन्नत का टिकट भी कह सकते हैं। दूसरे अल्फाज में लोग अपनी आखरत संवारने के लिए पादरियों की बातों में आ जाते थे और उन्हें चंदा दिया करते थे। ये उस दौर का एक अकीदा जो था इसको कुछ लोग इस तरह समझते थे। उस दौर में कैमरा तो नहीं था लेकिन उस दौर की बहुत सी पेंटिंग्स और वो टिकट्स आज भी यादगार के तौर पर दोस्तों नवादरात की तरह महफूज हैं, बल्कि कुछ जगहों पर तो ये टिकटें आज भी जारी होती हैं। कुछ देर पहले तक, एक सदी पहले तक जो जारी होती थी उनकी तस्वीर मौजूद है। तो सलीबी जंगों से पहले भी यूरोप में जन्नत की इन टिकटों का रिवाज तो था, लेकिन सलीबी जंगों के बाद पोप अर्बन सेकंड ने 11वीं सदी में जन्नत के इन टिकट्स को कानूनी शक्ल दे दी। यानी ये टिकटें अब पोप की अथॉरिटी के साथ लोगों को मिलती थीं। सलीबी जंगों के दौरान जन्नत के इन टिकट्स को चर्च ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। आम लोगों से कहा जाता था कि जो भी क्रूसेड्स में सलीबी जंगों में लड़ने के लिए जाएगा उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए हज़ारों लोगों ने क्रूसेड्स में सलीबी जंगों में लड़कर जान दी थी। लेकिन सलीबी जंगें ख़त्म होने के बाद चर्च के लिए ये नामुमकिन हो गया था कि वो लड़ाई के बदले लोगों के गुनाह माफ़ करें, क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी और उल्टा वो हार चुके थे। चुनाचे चर्च में एक नई प्रैक्टिस अब शुरू हो गई। चर्च के ओहदेदारों ने लोगों से पैसे लेकर उन्हें जन्नत के टिकट देना शुरू कर दिए, यानी बग़ैर किसी काम के सिर्फ पैसे ले कर टिकट उनके हवाले। सादा लो मजहबी लोग कतारों में लगकर ये टिकट्स ख़रीद लेते थे, हासिल कर लेते थे। और इसके साथ चर्च ने यह भी कैलकुलेट करना अब शुरू कर दिया कि कौन से गुनाह के बदले इंसान को कितनी देर परगेटोरी में, यानी उनके मुताबिक जन्नत और दोजख के दरमियान में जो जगह है वहाँ रहना पड़ेगा, कितने साल वहाँ गुजारना पड़ेगा। अब चर्च के लोग ये भी खुद से डिसाइड करने लग गए थे। चुनाचे अब जब कोई शख्स गुनाहों की बख्शिश के लिए चर्च के पास आता तो उसे बताया जाता था कि गुनाहों के हिसाब से तुम इतने बरस परगेटोरी में गुजारोगे। ये मुद्दत दोस्तों सैकड़ों, हज़ारों या फिर कई लाख साल पर मुहित हो सकती थी, और ये बताना होता था चर्च के उन लोगों ने, पादरियों ने या जो भी उसके रहनुमा थे वहाँ। इसी मुद्दत के हिसाब से जन्नत के टिकटों के रेट्स भी फिक्स थे। कोई शख्स परगेटोरी में जितने ज़्यादा बरस कम करवाना चाहता था, जितने साल वो अपने कम करवाना चाहता था, उसे उतनी ज़्यादा रकम चर्च को अदा करना पड़ती थी। यानी जितनी ज़्यादा कीमत उतना बड़ा जन्नत का टिकट, उतनी जल्दी जन्नत में जाने का इजाज़तनामा। उस ज़माने में माना जाता था कि रूह को परगेटोरी में जो वक्त गुजारना पड़ता है उसमें से 19 लाख साल से ज़ायद का अरसा तो सिर्फ पोप की मर्ज़ी ही से कम हो सकता है। उसका इख्तियार है कि 19 लाख साल जब चाहे कम करते। दिलचस्प बात यह थी कि चर्च ने सिर्फ जिंदा लोगों को ही जन्नत के टिकट्स फरोख्त नहीं करना शुरू किए थे, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया था कि मुर्दा लोगों के लिए भी जन्नत के टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। यानी अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार वफात पा गया है और वो परगेटोरी में अपनी सज़ा भुगत रहा है तो आप चर्च को मोटी सी रकम देकर उसकी सज़ा में भी कमी करवा सकते हैं। तो अब ये हुआ कि जन्नत के टिकटों की फ़रोख्त में कई गुना इजाफा हो गया। लोग अपने लिए और अपने आनजानी प्यारों के लिए, यानी वो जो मर चुके थे उनकी निजात के लिए धड़ाधड़ ये टिकट्स चर्च जाकर ख़रीदने लगे। चर्च के इन टिकटों की फ़रोख्त से चर्च के ख़जाने लबालब भरना शुरू हो गए। चर्च ने इस रकम से बड़े पैमाने पर गिरजाघर, मजहबी इमारतें और अपने ओहदेदारों के लिए आलीशान रहायशगाहें तामीर करवाना शुरू कर दी। उन दिनों यूरोप में आर्ट के हवाले से निशाते सानिया या रेनेसां का दौर अरूज पर था। उस दौर में यूरोप में यूनानी तर्ज की इमारतें और मुजस्मे बहुत शौक से बनाए जाते थे। इन पर खर्च भी बहुत उठता था, तो चर्च ने भी अपनी इमारतों को यूनानी आर्किटेक्चर के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। मुकद्दस मसीही शख्सियात के मुजस्मे और पेंटिंग्स भी यूनानी आर्ट के लेवल पर तैयार की जाने लगी। इन सब पर जो पैसा खर्च होता था दोस्तों, वो इन्हीं जन्नत के टिकटों को बेच कर ही चर्च हासिल कर रहा था। लेकिन जब जन्नत के ये टिकट्स बेचे जा रहे थे, चर्च ही में कुछ लोग इस प्रैक्टिस से परेशान भी थे। उन्हें ये देखकर दुख होता था कि एक मुकद्दस मजहबी अमल को दौलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस बात से भी परेशान होते थे कि अमीर लोग तो पैसे देकर जन्नत के टिकट्स खरीद रहे हैं, लेकिन गरीबों को परगेटोरी में सज़ा भुगतने के लिए छोड़ा जा रहा है। ये ईसाइत की बुनियादी तालीमात के भी ख़िलाफ़ बात थी, क्योंकि मसीही अकीदे के मुताबिक भी एक ऊँट का तो सुई के नाके में से गुज़रना आसान है, लेकिन अमीर आदमी का
खुदा की सल्तनत यानी जन्नत में दाखिल होना मुश्किल है। लेकिन जन्नत के टिकट्स में तो ये असूल उलट हो चुका था। अब दौलतमंद लोग पैसे खर्च करके खुदा की सल्तनत में जा रहे थे और गरीबों के लिए एक तवील इंतज़ार था, पर्गेटोरी में लाखों साल पर मुहित इंतज़ार। तो दोस्तों, जन्नत के टिकटों की फरोख्त से चर्च के ओहदेदार दोनों हाथों से दौलत समेट रहे थे। इस दौलत से चर्च के करप्ट ओहदेदारों की जेबें भरी जा रही थीं। चर्च के ओहदेदारों से जो पैसा बच रहता उसे रोम या मौजूदा वेटिकन सिटी में पोप के पास भेज दिया जाता था, जहां इस रकम से इमारतें तामीर होती थीं। तो अब चर्च के अंदर जिन लोगों को ये तरीक़ाकार पसंद नहीं था, उन्होंने पहले दबी दबी आवाज़ में इंटेलिजेंस सिस्टम या जन्नत की इन टिकटों की फरोख्त पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दी। लेकिन मसला ये था कि चर्च की एक तो ताकत बहुत थी, फिर चर्च ने आम लोगों को जहनी तौर पर पसमांदा रखने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सोचने समझने वाले लोगों की फलसफा लिखा हुआ जो किताबों में मौजूद था, उन किताबों पर पाबंदी थी, बात करने पर पाबंदी थी। इल्म जो किताबों में महफूज था वो सिर्फ चर्च में पादरियों के पास होता था, आम शख्स की उस तक रसाई ही नहीं थी। जिस घर में अरस्तु, अफलातून और इस तरह की किताबें पाई जाती थीं, उस घर को आग लगा दी जाती थी और विच हंटिंग की जाती थी। उन लोगों को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती थीं, उनको जान तक से मार दिया जाता था, और चर्च के अकायद और नज़रियात पर जो सवाल भी उठाता था उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता था मुकदमा चला के, फिर उसको एक सतून के साथ खड़ा करके उसके पाँव के नीचे आग लगा दी जाती थी और उसको ज़िंदा जला दिया जाता था। इसलिए आम लोगों को एक सिस्टम के तहत सदियों से, एक लंबे अरसे से चर्च ने जहनी तौर पर भी पसमांदा रखा हुआ था। यानी लोगों में इतनी सक्कत ही नहीं थी, लोगों में इतनी सलाहियत रही ही नहीं थी कि वो क्रिटिकल एनालिसिस करते, क्योंकि इसका रिवाज, इसका चलन होने ही नहीं दिया गया था। और एक अच्छे इंसान की निशानी चर्च ने यही लोगों को जहनी तौर पर राय रासिख करवा दी थी कि जो चर्च कहता है उसके अलावा कोई सच्चाई दूसरी नहीं है, और चर्च को चैलेंज करना एक जेंटलमैन रवैया नहीं है। इस तरह का एक माहौल उन्होंने एक लंबे अरसे में बना दिया था, तो इसको आप सवाल नहीं कर सकते थे। लोगों में इतनी जुर्रत भी नहीं थी और सलाहियत भी नहीं रही थी। क्योंकि ये इल्म चूँकि पादरियों के पास था, इसलिए आवाज़ भी वहीं से उठती, तो इसका इम्कान था कि इस उस आवाज़ को अहमियत दी जाती आम लोगों की तरफ से भी, और चर्च के लिए भी वो चैलेंज होता। तो फिर यूँ हुआ कि 1515 में ये हो गए। 1515 के आसपास जर्मनी के एक शख्स ने इस मामले पर खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि चर्च के खिलाफ बगावत ही कर दी और एक ऐसे इनकलाब की बुनियाद रखी जिसका असर आज तक मौजूद है। मसीही दुनिया के इस गालबन सबसे बड़े इनकलाबी का नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने न सिर्फ कैथोलिक के इक्तदार को चैलेंज किया बल्कि उनकी तहरीक ने यूरोप में ऐसी तब्दीली पैदा की जिसने यूरोप को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया, और इस सोचने और समझने के अमल ने यूरोप को एशिया से बहुत अलग कर दिया, एशिया से बहुत आगे ले गया। ये भी दोस्तों एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन इसे चंद अल्फाज में बयान करना ज़्यादती होगी, इसलिए इसे आपके लिए एक अलग वीलॉग में मैंने रिकॉर्ड करवाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इससे आपके जहनों में उठने वाले बहुत से सवालों के जवाब शायद आपको मिल जाए। शुक्रिया।